नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है श्याम रसोई में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी और बेसन का बहुत ही टेस्टी ढोकला। इसे बनाना बहुत आसान है और फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगी, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। सूजी और बेसन का ढोकला बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कप सूजी ली है। मैंने मोटी वाली सूजी को मिक्सर में चलाकर पीस लिया था। यदि आपके पास बारीक वाली सूजी पहले से है तो आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें आधा कप बेसन डालेंगे, यानी कि जितनी सूजी ली है उसका आधा हमें बेसन ले लेना है। सूजी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें एक कप दही डालेंगे। दही हल्का सा खट्टा होगा तो हमारे ढोकले ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब हम दही के साथ सूजी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मैंने एक कप पानी लिया है, पर ज़रूरत के अनुसार हम इसे यूज़ करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसमें किसी भी तरह का लम्प्स नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसे अच्छे से विस्कर की सहायता से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा बैटर तैयार है। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएंगे, जिससे ढोकले का जो कलर है वो हल्का येल्लो हो जाएगा। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से मिला सकते हो। 2 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। तेल से हमारे ढोकले और भी सॉफ्ट बनेंगे। और अब हम बैटर को 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यू फेंटेंगे, जिससे जो हमारा बैटर है वो हल्का हो जाएगा और ढोकले सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। और इतना बैटर बनाने में हमारा 3/4 कप से भी थोड़ा कम पानी लगा है। ये देखिए, मैंने 1 कप पानी लिया था, उसमें से इतना ही पानी लगा है। अब हम इसे ढककर करीबन आधा घंटा के लिए रख देंगे। यदि आपके पास समय नहीं है तो 15 मिनट बाद भी बना सकते हैं। अब हम इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप फ्रेश धनिया, 1/4 कप पुदीना के पत्ते, 2 से 3 हरी मिर्च ली है, ये कम तीखी वाली हरी मिर्च है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 कड़ी पत्ता, 1/4 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच उससे भी कम काला नमक, और साथ ही 1 छोटा चम्मच नींबू का रस लिया है, 1/2 चम्मच चीनी के दाने लिए हैं और 2 से 3 छोटी लहसुन की कली ली है, 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने दही लिया है। अब हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर इसे पीस लेंगे। तो हमने चटनी बना ली है और ढोकला के लिए हमें इसी तरह की चटनी चाहिए। ये देखिए, आधा घंटा के करीब हो गया है और हमारा बैटर अच्छे से फूल कर सेट हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसमें और पानी मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ढोकला बनाने से पहले हम जिस प्लेट में ढोकला बनाने वाले हैं उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच इनो मिला रही हूँ। आप चाहें तो मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, या जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। एक साइड में मैंने पानी भी स्टीम होने के लिए रख दिया था इनो मिलाने से पहले। और अब हम इसमें ये बैटर डाल देंगे। मैंने 1 प्लेट पहले से यहाँ पर रखी हुई थी, तो जितना मोटा पतला आप ढोकला बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बैटर डाल दीजिए। और अब मैं ये दूसरी प्लेट रख देती हूँ। तो इतने बैटर में हमारे 2 प्लेट ढोकला बनेंगे। 1 प्लेट में थोड़ा लाल मिर्च भी डाल देती हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्च डालना स्किप कर सकते हो। और अब हम इसे ढककर करीबन 13 से 14 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 14 मिनट के करीब हो गया है ढोकला, हम चेक कर लेते हैं। चाकू की सहायता से हम इसे चेक कर लेते हैं। चाकू हमारा क्लीन है, हमारे ढोकले तैयार हो चुके हैं। गैस का फ्लेम बंद करके इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसे स्क्वायर पीसेज में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, अब हम ढोकलों पर तड़का लगाएंगे।
आप चाहे तो इसके ऊपर तड़का लगा सकते हैं, पर आज मैं कढ़ाही में तड़का लगाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाही ली है जिसमें 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे। 1 चम्मच यहाँ मैंने मस्टर्ड सीड्स ऐड किया है और 1/2 चम्मच सफ़ेद तिल डाला है। तिल डालना ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। 10-12 यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है और 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर दी है। इन सभी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों प्लेट ढोकला की इसमें डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें ध्यान से मिक्स करना है, कहीं ढोकले टूट ना जाएं। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे ढोकले तैयार हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। ढोकले को हम हरे धनिए की चटनी और टमाटर सॉस के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी ढोकले बनकर तैयार हुए हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।